नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हेल्थ एपिसोड में, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं दांतों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नुस्खे के बारे में, एक ऐसी रेमेडी के बारे में, जिसको अपनाकर आप अपने पीले दांतों को हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसके दांत मोतियों जैसे सफ़ेद हो, क्योंकि एक अच्छी तस्वीर के लिए अच्छे दांतों का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात हम सभी जानते ही हैं। तो अगर आप भी पीले दांतों से परेशान हैं, आपको दांतों के रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है, आपके दांतों में सेंसिटिविटी है, दांतों में दर्द होता है, मसूड़ों से खून आता है, तो आप आज के हेल्थ एपिसोड को बस लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाली हूँ जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जब भी हमारे दांतों में प्रॉब्लम होती है तो हम डेंटिस्ट के पास भागते हैं। पहले मैं भी ऐसा ही करती थी, लेकिन दोस्तों जब से मैंने इस नुस्खे को अपनाया है, आप यकीन मानिए मेरे दांतों का दर्द एकदम ख़त्म हो चुका है, मेरे दांत आगे से ज़्यादा सफ़ेद हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके दांत पीले हैं, दांतों में दर्द है, दांतों की कोई भी समस्या है, तो यकीन मानिए आप एक बार इस नुस्खे को ज़रूर आजमा कर देखिए। दोस्तों इस नुस्खे में, इस रेमेडी में हम जितना भी सामान यूज़ कर रहे हैं, पहली बात वो आपको बड़ी ही आसानी से आपके घर के आसपास के आपके घर में ही मिल जाएगा। जी हाँ, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, महंगी महंगी दवाई लाने की ज़रूरत नहीं है, डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो हमें इस रेमेडी के लिए चाहिए वो है सफ़ेद पेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी तरह की पेस्ट ले सकते हैं, पेप्सोडेंट, कोलगेट, आप कोई भी पेस्ट ले सकते हैं, लेकिन आप एक बात ध्यान रखें कि आपको जेल बेस्ड पेस्ट नहीं लेनी। जी हाँ दोस्तों, जो जेल वाली आती है ना, आपको वो पेस्ट नहीं लेनी है। जो दूसरी पेस्ट होती है, जैसे पेप्सोडेंट हो गई, कोलगेट हो गई, आप वो वाली पेस्ट ले सकते हैं। और दोस्तों आपको उतनी ही पेस्ट लेनी है जितनी कि आप रेगुलर यूज़ करते हैं। दोस्तों आप एक खाली कटोरी में पेस्ट को निकाल लीजिए, फिर आप उसमें थोड़ी सी 4-5 लहसुन की कलियों को कूट कर डाल दीजिए। जी हाँ दोस्तों, लहसुन हमारे दांतों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपके दांतों में दर्द है, दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, तो आपको सुबह उठकर खाली पेट एक लहसुन की कली खा लेनी है और ऊपर से गुनगुना पानी पी लेना है। इससे भी आपके दांतों की रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आप अपने दांतों को सफ़ेद करना चाहते हो, अपने दांतों की प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए अलविदा कहना चाहते हो, तो आपको इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ करना है। इसमें आपको 3-4 लहसुन की कलियों को कूट कर इसमें डाल लेना है। दोस्तों इसके बाद जो आपको इसमें अगली चीज़ डालनी है वो है सफ़ेद नमक। जी हाँ दोस्तों, सफ़ेद नमक के बिना तो हमारा खाना ही नहीं बनता है। दोस्तों नमक एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अगर कम हो जाए तो भी खाने का स्वाद नहीं आता, और अगर ज़्यादा हो जाए तो भी खाने का स्वाद नहीं आता। आपको इसमें 1-2 चुटकी सफ़ेद नमक की मिला लेनी है। दोस्तों इसके बाद आपको जो इसमें अगली चीज़ डालनी है वो है नींबू। जी हाँ दोस्तों, नींबू मैल को ख़त्म करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ये आपके दांतों से जो पीलापन होता है ना, जो हम कहते हैं कि ऊपर पीली परत से जम गई है, उसे हटाने में बहुत ही मददगार है। दोस्तों नींबू हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप सुबह उठकर खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू डालकर पी लेते हो, तो इससे आपके शरीर की कई बीमारियाँ, जी हाँ दोस्तों मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, इससे आपके शरीर की कई बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकाल देता है, हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट है, चर्बी है, उसे बाहर निकाल देता है। नींबू तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक औषधि है। आपको इसमें तकरीबन 10-15 बूंदे नींबू की डाल देनी है। दोस्तों इसके बाद आपको जो इसमें अगली चीज़ डालनी है वो है हल्दी। जी हाँ दोस्तों, हल्दी एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल गुणों से भरपूर होती है। ये भी हमारे दांतों का पीलापन ख़त्म करने में बहुत ही मददगार है। आपको इसमें हल्की सी हल्दी डाल लेनी है, यानी कि थोड़ी सी, एक चुटकी हल्दी आप इसमें मिला लीजिए। फिर दोस्तों आपको इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दोस्तों जब आपकी ये रेमेडी बनकर तैयार हो जाएगी, तो आपको इसे अप्लाई कैसे करना है, चलिए वो भी मैं आपको बता ही देती हूँ। दोस्तों आपको इसे अपने रेगुलर ब्रश, जो कि आप रोज़ यूज़ करते हैं, उस पर लगा लेना है। जितनी पेस्ट आप रोज़ लगाते हैं, बस उतनी पेस्ट पर लगा लीजिए, यानी कि इस रेमेडी के लगा लीजिए। फिर आप इससे 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से ब्रश कर लीजिए। दोस्तों आपको इससे अच्छी तरह से ब्रश कर लेना है, आप इससे लगातार ज़रूर ब्रश कीजिए।
आप खुद देखेंगे कि आपके दांत पहले से सफ़ेद हो जाएंगे। दोस्तों पहले इस्तेमाल से ही आपको अपने दांतों में फ़र्क महसूस होगा। जी हाँ दोस्तों, आप जब इस रेमेडी को पहली बार यूज़ करेंगे तभी आपको अपने दांत सफ़ेद लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके दांतों की जो पीली पीली परत है, जो आपके दांत पीले हो चुके हैं, वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगे पहले इस्तेमाल से ही। दोस्तों ये एक आजमाया हुआ नुस्खा है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, इससे आपके दांतों का दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है तो भी आप इस रेमेडी को ज़रूर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसमें हमने जितनी भी चीज़ें डाली हैं, लहसुन, नींबू, हल्दी, ये हमारे दांतों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। आपके दांतों का दर्द हो, दांतों की सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो, मसूड़ों से खून आता हो, इन सभी समस्याओं को ये रेमेडी ख़त्म कर देगी। तो दोस्तों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ 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 इस रेमेडी को यूज़ कीजिए। दोस्तों आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे और ऐसी जानकारी के साथ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।